नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का हम 13वां प्रश्न बच्चों आज करने जा रहे हैं। मैं इसको जूम करके आपको प्रश्न पहले दिखा रहा हूं। देखिए, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत, देखो ये चतुर्थांश बना है ओ पी बी क्यू, ओ पी से बी क्यू, ये गोल और ये वापस, ठीक है, के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी यह एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ से ए वर्ग की भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये है छायांकित भाग। तो बच्चों देखो, बड़ा आसान प्रश्न है ये तो। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हम ये छायांकित, ये सॉरी छायांकित कह रहा हूं, ये जो चतुर्थांश बना है, ये चतुर्थांश बना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें चाहिए होगी इसकी त्रिज्या, है ना, रेडियस चाहिए होगा, इसकी त्रिज्या चाहिए होगी, त्रिज्या लेकिन दी नहीं हुई है। लेकिन इतना देख पा रहे हैं हम कि ये जो आर्क है, ये जो चाप है ना, ये ऐसे वाली, ये यहां से शुरू होती है और ये यहां बी पर आती है, और ये देखोगे तो बी और ओ क्या है, ये वर्ग का है डायगोनल यानी विकर्ण, है ना। तो यदि हमें इस वर्ग का विकर्ण पता लग गया तो हमें इस चतुर्थांश की त्रिज्या पता लग जाएगी। तो इसके लिए हम ओ और बी को ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। अब बच्चों आपने यह प्रश्न ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम इस वर्ग में से यह डायगोनल निकालेंगे यानी यह विकर्ण निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वर्ग है ओ ए 20 है तो ओ बी भी 20 होगा और यह बन जाएगा एक समकोण चतुर्भुज, सॉरी क्या बोलिए, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज क्यों बन गया, क्योंकि इसमें यह जो 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि यह वर्ग की, वर्ग का शीर्ष है तो वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होता है, दो भुजाएं पता होता है तीसरी पता लगती है ना बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ बी, बेस ओ ए, ओ ए किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी। अब ये एक वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, ओ ए 20 है तो ए बी भी 20 होगा, बी सी भी 20 होगा, सी ओ भी 20 होगा, तो यहां से ए बी आ गया 20, परपेंडिकुलर 20, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। अब देखो 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस यहां भी 20 का स्क्वायर होता है 400, ओबी का जो स्क्वायर है वो आ गया 400 प्लस 400 800, तो ओबी किसके बराबर होगा, 800 के रूट के बराबर। अब बच्चों जो 800 है इसकी यदि हम अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, पहले इसको 800 ही लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। अब ओबी किसके बराबर होगा, 800 का अभाज्य गुणन खंडन कर देते हैं। 800 का जो अभाज्य गुणन खंडन होगा वो होगा 2 गुना 2, उसके बाद फिर से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, और एक सेकेंड रुकना बच्चों जरा, हाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये आप अभाज्य गुणन खंडन से देख सकते हैं, इन सबको गुना करके 800 आएगा। 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, 32 को 5 से गुना करेंगे 160, 160 को 5 से गुना करेंगे 800, ठीक है। तो इसमें से बच्चों देखो
इन दो में से एक दो बाहर चला जाएगा, इन दो में से एक दो बाहर चला जाएगा, इन पांच में से एक पांच बाहर चला जाएगा। रूट के अंदर बच जाएगा ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ एक दो बच जाएगा। तो ये आ गया दो दूनी चार पांच बीस इंटू रूट दो। ये आ गई ओबी की लंबाई, 20 रूट दो सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया है ये डायगोनल। और जितना ये डायगोनल, जितना ये विकर्ण है, उतनी ही इस चाप की त्रिज्या होगी, इस चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही मैं लिखने जा रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह किसके बराबर होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये जो चतुर्थांश है, ये पूरे वाला, ये पूरा जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये चतुर्थांश है। इसमें से ये वाला हम वर्ग माइनस कर देंगे, ये वाला वर्ग माइनस कर देंगे, तो बाकी छायांकित भाग हमें मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, चतुर्थांश का जो फार्मूला है, चतुर्थांश जो है यह एक, यह क्या है, एक त्रिज्य खंड है। और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है भुजा भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो इसे हमने हल करना है। आइए देखते हैं, इसे हल करके देखते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई जो है हमें दिया गया है 3.14 लेना है। ठीक है, तो देखो 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना आया 20 रूट दो, यही थी ना उसकी त्रिज्या, गुना थीटा। बच्चों थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वर्ग है ना, तो 90 बटा 360। इसमें से हमने माइनस करना है भुजा गुना भुजा, और वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो यहां आ जाएगा 20 गुना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में यह उत्तर आएगा। तो इसको हम आगे हल करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये दशमलव हटाया तो यहां पे एक लग गया, दशमलव के बाद दो अंक हैं तो यहां दो शून्य लग जाएंगे। 90 से 360 कट जाएगा चार के पहाड़ में, 9 चौके 36, 0 से 0 कट जाएगी। इस एक जीरो से यह एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से यह एक जीरो कट गया। तो बच्चों यहां से आप देखिएगा कि हमारे पास ये दो रह गया, दो के पहाड़े में दो दुनी चार, और इस दो से यह दो कट जाएगा। ठीक है, आपको जहां से ना समझ आए वीडियो पीछे ले जाना, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो दशमलव हटाया, यहां दो जीरो लगे, 20 का एक जीरो इससे कट गया, अगले 20 का एक जीरो इससे कट गया, 20 में दो भी था, दो से कटा, 90 से 360 कटा, 9 चौके 36 और जीरो से जीरो कट गया। तो उसके बाद रह गया दो, दो से चार कटा, दो दुनी चार, और इस दो से ये दो कट गया। अब हमारे पास बच गया है 314 गुना ये खत्म, यहां बचा रूट दो, यहां बचा रूट दो, ये खत्म। रूट दो गुना रूट दो होता है दो, तो ये आ गया 314 गुना दो इस ब्रैकेट में माइनस, आगे हमारे पास है 20 गुना 20, तो 20 गुना 20 होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 314 को जब दो से गुना करेंगे तो चार दुनी आठ, दो एकम दो, दो तिया छः, 628 माइनस यहां से बचा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों 628 में से 400 निकाल दिया तो बच गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया है, 228 क्या आया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया। मैं अब इसको जूम आउट कर रहा हूं, तो देखो बच्चों हमारे पास ये एक चतुर्थांश दिया गया था, इसकी हमें त्रिज्या नहीं पता थी, वो हमने निकाली वर्ग का विकर्ण निकाल के। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालने से वर्ग, ये जो ओबी है ये हमारे पास आ गया 20√2, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या किया, इस पूरे चतुर्थांश में से, ये जो जिस पे मैं लाइन में आ रहा हूं, ये पूरा चतुर्थांश, इसमें से हमने ये वाला वर्ग माइनस कर दिया। देखो मैंने अलग अलग पेन का यूज किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, चतुर्थांश में से मैंने वर्ग माइनस कर दिया, तो बाकी ये जो शेडेड पोर्शन है ये बच गया। चतुर्थांश का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो पाई 3.14 लिया था, आर हमने अभी निकाला 20√2, थीटा 90 क्योंकि स्क्वायर में हर कोण 90 डिग्री का होता है, बटा 360। इसको हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।